Hello everyone, this is Rupal Purohit and I am in conversation with Manoj Pahawa. He is a veteran actor. Hi. Sir, welcome to Cine Speaks. Sir, हम तो इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, आपको यहाँ रहना है. क्या करें, दलदल में घुसे. अरे दलदल तो आर्टिकल 15 में देखी आपने फिल्म? बहुत सही फिल्म है. होपफुली हम लोग यही होप कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनको पसंद आए. अनुभव सिन्हा साहब ने स्क्रिप्ट लिखी है और थोड़ी सी लीक से हट के फिल्म है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, पसंद करें. कल रिलीज़ हो रही है. कल रिलीज़ हो रही है. इतनी अच्छी फिल्म है कि ये मूवी तो रिलीज़ होनी ही थी और ये इस टॉपिक पे मूवी तो बनना ही था. हाँ, और जिस तरीके से बनाया है बहुत बेस्ट है. हाँ, मतलब कहना चाहिए कि आज से 5 साल पहले, मैं तो कहूँगा कि 2-3 साल पहले भी कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्म बन सकती है. लेकिन आज थैंक्स टू आई थिंक यंगर जनरेशन, आप लोगों का जो सोच नज़रिया बदला है कि इस तरह की फिल्मों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नए सब्जेक्ट्स को अप्रूवल दे रहे हैं, देख रहे हैं और चाह रहे हैं. और जो पुराने आइडियाज़ हैं, पुराने लोग हैं और पुरानी थिंकिंग है, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं और कंटेंट चाहते हैं. कंटेंट, हाँ, कि भाई हमको कुछ नया दिखाओ, कुछ कंटेंट हो, बात हो तो हम देखें, नहीं तो घिसा पिटा नहीं चाहिए. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एक्सेप्ट कर रहे हैं नई सोच को, नए आइडियाज़ को. इसलिए आप देखिए पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितनी, चाहे वो कम बजट हो चाहे वो नए फेसेस हो, उनकी फिल्म चल रही है. बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं चल रही हैं. और जो जिसमें कंटेंट है और जो एक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर पा रहे हैं, उनकी ही मूवी चल पा रही है, उन्हीं की फिल्में चल पा रही है. एंटरटेनमेंट को अभी इतना सपोर्ट नहीं किया जाता. मतलब एंटरटेनमेंट तो है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन कंटेंट होना चाहिए. कंटेंट के साथ है, कंटेंट के साथ है. बिल्कुल बेकार, फूहड़, वो सब नहीं चलेगा. तो सर, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, इतना अच्छा टॉपिक, जब आपको पता चला कि आपको इसमें मूवी करना है, तो आपने क्या सोच के हाँ बोला? सोचना मतलब ये तो एक तरह से कहना चाहिए कि लॉटरी खुलने वाली बात है ना. अब देखिए, आप के इतने साल से एक एक्टर काम कर रहा है और उसको एक सर्टेन इमेज में टाइपकास्ट कर दिया गया है. अब इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं. हाँ, कि भाई एक सर्टेन इमेज है, एक आदमी इस तरह का लगता है, हैप्पी गो लकी, तो एक फन इमेज में चलो भाई इस तरह मनोज पावा है, अरे दोस्त का रोल, फनी गाय का रोल, हैप्पी गो लकी दे दो, तो उस तरह का एक इमेज बन जाता है. तो उसी तरह के रोल करते करते एक सर्टेन इमेज बन जाती है. तो एक्टर भी अब क्या है भाई, के घर भी चलाना है, गाड़ी भी रखनी है, बच्चे भी पालने, सब है. तो अब ये तो नहीं कर सकते कि भाई इस तरह का रोल कर लिया, अब जब तक कोई डिफरेंट रोल नहीं आएगा तब तक हम काम नहीं करेंगे. तो वो भी नहीं कर सकते भाई, किराया भी देना, गाड़ी भी देना, सब करना है. करते करते फिर वो इमेज बन जाती है. तो लेकिन एक्टर होता है, उसको हमेशा एक दिल में एक कसक रहती है कि यार कोई अलग किस्म का रोल मिले, कोई एक डिफरेंट मैं कुछ करूँ. तो इस तरह की स्क्रिप्ट आना तो एक तरह से मतलब भगवान का आशीर्वाद वाली बात होती है ना, प्रसाद मिल गया. तो आई वाज सो एक्साइटेड. उससे पहले मुल्क, अनुभव सिन्हा के, तो उससे पहले हाँ वो मिली, तो उसके बाद ये, तो ये तो एक तरह लॉटरी खुल गई. तो हम तो एकदम टूट पड़े और फिर लग गए उस पर काम करने में. अच्छा, कि किसी तरह से जो भगवान ने आशीर्वाद दिया है, प्रसाद दिया है, तो इसको अब इतना मेहनत करनी करोगे इसमें, मतलब कोई कसर ना रह जाए अपनी तरफ से. तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब इतने सालों बाद मिली है, तो उसको पूरी तरह से अपनी तरफ से कोई कमी ना रहे. और सर, आपने जितने भी रोल प्ले किए सब में एकदम मतलब बहुत ही सही रहे हैं. मतलब वैसा रोल कि आपको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता है. ऐसे आपके पूरे रिजल्ट आए हैं, जितने भी आपने टीवी शोज देख लो, मूवीज देख लो सब में, और हर वक्त डिफरेंट, कभी कॉमेडी, कभी फनी, कभी सीरियस. तो कैसे मैनेज कर लेते हो सर? नहीं मैनेज क्या, वो तो अब वही काम है. जैसे आप
जॉब है वही सीखा है बचपन से, वही करना है तो उसी में मज़ा आता है, तो वो जो अच्छा लगता है लोगों को तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मूवी की बात करें आर्टिकल 15 की, तो आपने कुछ प्रेपरेशन की थी इस टॉपिक के ऊपर, कुछ रिसर्च वगैरह किया था आपने? हाँ मतलब पहले तो हमें पता ही नहीं था आर्टिकल 15 क्या है, जब अनुभव सिन्हा साहब ने बताया तो पहले तो उनसे समझा, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी वो समझा, फिर अम्बेडकर साहब ने जो लिखा था, और फिर उसके बाद ऐसे सतही तौर पे तो सबको मालूम ही है फिर किस तरह से हम सुनते तो हैं ही हैं अपनी सोसाइटी में किस तरह से कास्टिज्म का हमारे है। और फिर क्या होता है कि हम तो कहे शहरों में पले हैं बड़े हैं, बट कहीं ना कहीं उसकी झलक हमको कहीं ना कहीं दिखती तो है ही है। जाते हैं अपने नानी के यहाँ जाते हैं या अपने मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं दिखाई तो देता ही है कि भाई काम करने वाला है उसके साथ थोड़ा सा ऐसा व्यवहार हो रहा है, या तो फिर उसको स्क्रिप्ट आई तो उसको और थोड़ा सा पढ़ा समझा, और उसके बाद कुछ किताबें अनुभव सिन्हा साहब जो पढ़ रहे थे रिसर्च कर रहे थे उन्होंने हमें बताई, तो सजेस्ट की वो पढ़ी और उसको और डिटेल में समझा, और फिर उसके बाद फिर जो हम कैरेक्टर करते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करेगा और किस तरह से पोस्टेड है उसकी क्या पोस्ट है, तो पूरी उसके हिसाब से स्टडी करते फिर काम। तो आपका ये जो करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल है, तो आप कभी रियल टाइम रियल लाइफ में किस कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर से आपकी मुलाकात हुई? हम लोग लखनऊ में पुलिस स्टेशन में 4-5 बार विजिट करने गए थे। अच्छा। और जस्ट टू ऑब्जर्व करने बैठे थे पुलिस स्टेशन में कुछ घंटों के लिए, तो जनरली टू ऑब्जर्व करने के लिए कि किस तरह का एटमॉस्फेयर रहता है और किस तरह से बिहेव करते हैं लोग आने जाने में एक दूसरे से, और प्रोटोकॉल क्या रहता है जो इंस्पेक्टर होते हैं सब इंस्पेक्टर होते हैं, और फिर SHO क्या होता है, सर्कल ऑफिसर क्या होता है, और एक दूसरे के जो सल्यूटिंग का क्या रहता है उनका, और फिर बाकी जो बिहेवियर होते हैं उनका वो स्टडी वगैरह करने के लिए गए। तो आपको थोड़ी सी इसे झिझक नहीं हुई कि इतनी अच्छी मूवी है और इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे पुलिस ऑफिसर का रोल देगी जो कि इतना अच्छा नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं करप्ट है? नहीं नहीं वो नहीं वो तो खैर कोई ऐसा कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं ना, दैट इज़ ए कैरेक्टर विच आई एम पोर्ट्रेइंग, और कैरेक्टर के अंदर जितने शेड्स होते हैं एज एन एक्टर उतना करने में मज़ा आता है। तो वो जो उसकी नेगेटिविटी है वो हम उसको नेगेटिविटी की तरह देखते नहीं है, एक कैरेक्टर है उसका एक ओपन है वो उसके अंदर अगर देखा जाए तो वो आदमी उस तरह से बुरा है नहीं, वो उस वो सिस्टम का हिस्सा बन गया है, तो वो भी लग गया है। वो है बच्चे की तरह, आपने देखी नहीं अभी फिल्म, अब देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखा है वो मतलब देखा है फिल्म, उसमें वैसे वो जो रहते MLA उनके साथ ऐसे उनके साथ सिस्टम में रहते सिस्टम में है, उसको वो बोलता भी है इनको बोलता भी है कि आप आए हैं पोस्टिंग होके आप यहाँ से चले जाएंगे हमको यहीं रहना है जिंदा, अब देखेंगे वो डॉग्स वगैरह को बड़ा प्यार करता है, कहता है इज अ वेरी नॉर्मल गाय लव्स एनिमल्स एंड, और उसको बोलता भी है आयुष्मान खुराना को सर आपके यहाँ ट्रांसफर होता है लेकिन हमारे यहाँ हत्या हो जाती है, सो ही इज लाइक के आप समझ नहीं रहे दिस काइंड ऑफ सिस्टम आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज ये वो में एक डिफरेंट सिस्टम है, हमारे यहाँ इट्स वेरी डार्क सिस्टम, हमारे यहाँ मार देते हैं सर, सो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो ही इज नॉट करप्ट गाय बट ही इज सेइंग के यू डोंट प्रेशराइज्ड कि यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है सर, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप तो आए 6 महीने के लिए चले जाएंगे बट वी विल बी किल्ड, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ क्या सिस्टम चल रहा है, सो इज नॉट ए बैड गाय बट ही इज फॉलोइंग द प्रोसीजर, हाँ उसको मालूम है यहाँ पे ऐसे चलता है यहाँ पे ऐसे चलने दीजिए, तो इज दैट काइंड ऑफ खुद भी फंसा हुआ है हम नहीं ऐसा करेंगे तो वो भी कुछ कर नहीं पा रहे, ही आल्सो सेविंग दैट वे ही इज आल्सो ट्रैप्ड, अगर वैसे देखा जाए तो देखने में विलेन है वो देखने में वैसा है, अंदर से देखेंगे अगर डिटेल में देखेंगे तो ये भी फंसा हुआ है,
वो खुद को बचा रहा है, हाँ, उस वो खुद भी बच रहा है। इवन ही गोज टू किल अंशु यादव, मारने जाता है, खुद मारने नहीं जाता, वो खुद इस सिचुएशन में है, उसको डराने जाता है, हाँ, कि अभी इसका ब्लड सैंपल मिल गया, अब इसका ब्लड सैंपल मिल गया, ये अरेस्ट हो गया, हाँ। तो समझो मैं अरेस्ट हो गया। सो उसको बोलता भी है कि अंशु भैया तुमको अरेस्ट करेंगे ना तो हम बच जाएंगे, हाँ, ये डायलॉग है, है ना, सो इट्स लाइक इसकी मजबूरी है, ही इज नॉट दैट काइंड गाय, तुमको तो इसलिए ये मजबूर आदमी है, हाँ हाँ हाँ, इस ट्रैप में उसको भी गोली मारते जब वो कहता है ना कि भाई तुम का तुम, वो बोलता ना उसको भी बोलता है कि मार का है दिया यार, हाँ हाँ हाँ, दो तीन दिन रख के फेंक देते साली हराम जादियों को, साला फंसवा दी ऐसे क्या, तो इस दिस पोर चैप, मैं उसको उस तरह से पोर्ट ले गया है, ग्रेवी भी कर देते थोड़ा, मतलब कर करके छोड़ देते ना, व्हाई डिड यू किल देम, ही इज ट्राइंग टू हैंडल द पोजीशन, हां ये थोड़ा वो यही कर लेते तो उनको यही तो करना था, तो छोड़ देते, मार क्यों दिए, वो कहते अरे साला बहुत फड़फड़ा रही थी, क्रांतिकारी बन रही थी, तो उसके बाद वो बोलते हैं तुम मालूम नहीं तुमको सर, आपको याद नहीं कितना फड़फड़ा रही थी जब आप चढ़े थे, धनी झूठ थी साला, हमारे मुंह पे ही बोल रहा है तो पता नहीं किस किस को बोलेगा ये, he will go and tell everybody, हम चढ़े, हम भी चढ़े थे, था so he is also trapped, एक तरह से देखा जाए तो he is a poor chap, वो जो थोड़ा वैसा पोर्ट्रे किया, लेकिन उसका साइड देखे तो, साइड देखे तो ही, वो खुद फंसा हुआ है, आप अगर देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे ना पूरी फिल्म में तो his behavior is like this, sir फाइल क्लोज कर दे सर, अब तो कर दे, फैल रहा है, बंद करो, सतही लेवल पे पहला इंस्टेंस याद आ गया, आओ दिस इज द गाय who is the boss, who is the thana in charge, who is the, who kills, is the villain. But then you start studying the character, you read script a lot of time, then you get into these kind of intrigues, no, detailing. No, you go, it leads a lot of hard work, then you get to know the details, lot of detailing, lot of reading, then you get into the detail. कैसे हम लोगों को जिंदगी में समझ में आता है ना, ऊपर सतह पे कैसे देख के एक आदमी को लगता है अरे बड़ा है, हाँ। इसको देखो जब बदतमीजी से बात करता है, जब देखो तो जो हाँ हाँ हाँ, बट हम जब किसी को जब समझने की कोशिश करते हैं कहते हैं यार ये तो ही सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसका आई थिंक जब स्टडी करते हैं तो दिस पुअर चैप हैज सम चाइल्डहुड प्रॉब्लम, यार बहुत बेचारा, इसको ही नीड्स हेल्प, कई बार ऐसा होता है, हम कई ऐसे होते हैं कि ऊपर से बड़े एरोगेंट हो, फिर देन डिटेल में हम लोग दोस्ती होते हैं, अंदर से बड़ा स्वीट है यार, बट ही हैज सम काइंड ऑफ फियर्स ऑफ ह्यूमिलेशन, या बचपन में इतना ह्यूमिलेट इस, तो ही नीड्स एक्चुअली हेल्प, जब वो थोड़ा क्लोज आ जाता है तब वो पता चलता है तो बेचारा बिल्कुल बच्चा है यार, बच्ची है, एक एक सिक्योर नहीं है, एक डर है, तो ये पहले से स्टांस लेके ना ही बिकम्स रूड, कैसे हम लोग कई बार आपस में फाइंड आउट करते हैं, सो यू दैट काइंड ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड व्हेन यू डू ए कैरेक्टर, जस्ट सुपरफिशियल स्टडी करेंगे तो आपको विलन दिखाई देगा, तो व्हेन वी डू ए कैरेक्टर वी नीड टू स्टडी दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कैरेक्टर, सर ऑनेस्टली बोलो एक भी एक्टर ऐसा लगे कि एक्टर्स लगे लाइक यू सी कोमोज कैरेक्टर, कितना डिटेल स्टडी है कि कैसे वो धीरे 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 एक फुल फ्लेजर अपने आप को अपनी पर्सनालिटी एक्सप्लोर होती है उसकी, शुरू में एक दबा हुआ एकदम दबा हुआ लो जाति का, आते आते एक इंस्पेक्टर बनता है, फिर भी वो एक बिल्कुल अंडरडॉग है, लास्ट तक आते आते पूरा एक पर्सनालिटी बनते हैं जहाँ वो ब्रह्मदत्त को अरेस्ट करके अंदर जाता है, इट्स ए मेकिंग ऑफ ए कैरेक्टर, ग्राफ है पूरा कैरेक्टर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑल द कैरेक्टर दे आर लाइक, वो निहाल सिंह है जो रेप किया है, हाँ ही कमिट सुसाइड, एडमिट्स है साहब गलती तो हो गया, ना एंड ही सुसाइड,
ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी वेल पोर्ट्रेड एंड कोई भी कैरेक्टर ऐसा लगा नहीं कि एक्टर है, लाइक दे आर द ओरिजिनल पर्सन हु हैव लिव्ड दैट लाइफ. राइट, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट एंड देन द एक्टर्स परफॉर्मिंग देम, ब्रिंगिंग देम टू लाइफ. Not that superficial or surface level पे perform कर दिया, that brings, तभी वो connect होता audience को, लोग लगता हाँ यार मजा आया देख के, ऐसा लगा कि हाँ सच्ची बहुत मजा आया movie देख के. और एक बात मैं पूछना चाहूँगी, हम metro cities में रहते हैं मुंबई वगैरह में, so we don't know all this, we mostly ignore these topics, inequality वाला हम ignore कर देते हैं, हमारे सामने होता रहता है पर हमें इस कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है. लेकिन कितने छोटे छोटे गांव है जो मूवी में बताया है कि वहाँ ये सब होता है, तो आपका क्या कहना है? नहीं, वो क्योंकि हमारा ही बनाया हुआ है ना. आपने अगर, मुझे भी पता नहीं था, ये अनुभव सिन्हा साहब की रिसर्च है और ये फैक्ट है कि 70% ऑफ हिंदूज आर SC ST OBC. ये हमारी ही सोसाइटी का बनाया हुआ क्रिएशन है कि जो माइनॉरिटी है वो अपर कास्ट है, मेजोरिटी को हमने SC ST OBC बनाया हुआ. ये हजारों साल पहले का किया हुआ क्रिएशन है. क्यों? क्योंकि अपर कास्ट को रूल करना है लोअर कास्ट पे. क्यों रूल करना है? क्योंकि अपर कास्ट को अपने लिए नौकर चाहिए. एक अपर कास्ट आदमी को 8 आदमी से लेके 80 आदमी चाहिए अपने गुलाम. अगर मैं टीवी पे अगर अभी मैं बुरा शब्द इस्तेमाल करूं तो एक एक अमीर आदमी को चाहिए थे अपने गांध धोने के लिए, पैर धोने के लिए, जूता साफ करने के लिए, चमड़ा धोने के लिए और अपने सोने के लिए 6 औरतें 8 औरतें. तो वो कैसे करता ये क्रिएट सोसाइटी? लीगली तो कर नहीं सकता था, तो उसको ये जात क्रिएट करनी पड़ी जो उसका ये काम करे. तो इतने नंबर्स कैसे बनेंगे? ये जात क्रिएट की गई, तो वो जो 20% लोग हैं वो 80% पे रूल करेंगे, उनसे ये काम करवाएंगे, उनकी औरतों के साथ सोएंगे, उनको छू नहीं सकते लेकिन उनको ये औरतों के साथ उनकी औरतों के साथ रेप कर सकते हैं. सीधा आयरनी, उनको टच नहीं कर सकते, उनका दिया हुआ खा नहीं सकते लेकिन उनकी औरतों को रेप कर सकते. दिस इज द आयरनी ऑफ द सोसाइटी. दिस मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के. बात करते गूज़बम्स आते हैं और लोग ऐसे जीते हैं. इसी सोसाइटी में हम जी रहे हैं. सो विल मूव फॉरवर्ड मूविंग विद दिस. आपने इतनी सारी मूवीज की, हम हमेशा चाहते हैं कि आपको फिल्म्स में देखे, तो अभी नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट? अभी तो मैं, मेरे पास है 5-6 स्क्रिप्ट्स हैं, मैं पढ़ रहा हूँ. okay. तो अभी मैंने कमिट नहीं किया. अभी मेरी वाइफ ने फिल्म डायरेक्ट की है, उसका नाम है पिंडदान, टेंटेटिव नेम है. अच्छा. वो कंप्लीट हो के वो रिलीज होने वाली है 2 अगस्त या 2 सितंबर में. अच्छा. दृश्यम की फिल्म है वो, दृश्यम प्रोड्यूस की है और वो रिलीज होने वाली है. उसके अलावा तो अभी मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, तो जो भी फाइनलाइज होगा वो 2 अगस्त 2 सितंबर में रिलीज़ होगा. और ये मोटली का फेस्टिवल है, मोटली थिएटर ग्रुप जो है, नसीर साहब का ग्रुप है, वो 40 ईयर्स उसके पूरे हो रहे हैं. okay. तो वो उसका 15 जुलाई से 30 जुलाई तक फेस्टिवल है. सारे प्लेज रिवाइव हो रहे हैं, कुछ नई कहानियाँ पढ़ी जा रही हैं. अच्छा. तो उसकी तैयारी चल रही है, तो हम लोग पुराने सब प्लेज करेंगे उसमें और नई कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे. okay. तो उसी की प्रिपरेशन रिहर्सल चल रही है. अच्छा. और जुलाई के बाद फिर अगस्त सितंबर में जो भी स्क्रिप्ट फाइनल करूँगा उसके उसको उसकी शूटिंग वूटिंग शुरू करूँगा. तो बहुत जल्दी आपको फिर से देखने मिलेगा. हाँ, एक नए कैरेक्टर के साथ. हाँ, होपफुली कोई अच्छी स्क्रिप्ट आए. हाँ. अभी क्या अच्छी कोई स्क्रिप्ट फिल्म करने के बाद फिर एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं ना, अपनी अपने आप से लोगों की भी बढ़ जाती है. तो अब ये लगता है कि अच्छी कोई स्क्रिप्ट आए तो ही करें, नहीं तो फिर वो तो होता ही है विद टाइम. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. थैंक यू.